आ रही है ना आपको, तो आ ही रही है। करें स्टार्ट। तो अब तक की क्लास में कल का टॉपिक हमने शुरू कर लिया था, कौन सा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक वो सिस्टम होता है जिसमें सरकार अपनी योजनाओं का लाभ कहां तक पहुंचाती है, एक चैनल का उपयोग करती है, एक प्रणाली, एक माध्यम का उपयोग करती है, और उसमें फिर वो जनता तक या लाभार्थी वर्ग तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाती है। ऐसी सिस्टम को ही क्या कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। लिखवाया भी था क्या इसमें कुछ? नहीं लिखवाया था, लिखो। डायरेक्ट स्टार्ट कर दो जैसे लिखवा रखे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने एकदम शॉर्ट में लिखवाया आपको। नहीं 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 जरूरत है। ठीक है, करें शुरू। लिखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ। वह प्रणाली जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थी वर्ग तक पहुंचाया जाता है, सरकारी योजनाओं का लाभ कहां तक, लाभार्थी वर्ग तक पहुंचाया जाता है, कौमा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। भारत में इस व्यवस्था के अधीन उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं वंचित वर्गों तक पहुंचाई जाती। ठीक है, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं होती हैं, सरकार के द्वारा निर्धारित की गई वस्तुएं, और वो फिर कम कीमत के ऊपर क्या किया जाता है, उसको वंचित वर्गों तक पहुंचाया जाता है। वंचित वर्ग की श्रेणियां कितनी है भारत में? तीन, एक तो है एपीएल, एक है बीपीएल और एक है अंत्योदय। लेकिन अंत्योदय को बाद में खाद्य सुरक्षा अधिनियम जब 2013 लागू किया गया था तो अंत्योदय वर्ग का मिला दिया गया, किसमें? बीपीएल वर्ग में। तो सामान्य आर्थिक कीमत पर तो पहुंचाई जाती है एपीएल। एपीएल का मतलब अबव द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के ठीक ऊपर जो भी व्यक्ति स्थित है, वर्ग स्थित है, उनको एपीएल कहते हैं, और जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं उनको क्या कहते हैं? बीपीएल वर्ग कहते हैं। तो बीपीएल वर्गों को एपीएल वर्गों से आधी कीमत पर वस्तुएं प्रदान की जाती हैं, और एपीएल वर्गों को सामान्य आर्थिक कीमत, और सामान्य आर्थिक कीमत बाजार मूल्य से क्या होती है? हमेशा ही कम होती है, तभी तो वो वंचित वर्गों तक पहुंचेगी। इंपॉर्टेंट नोट लगाओ, भारत में पीडीएस व्यवस्था अनुपूरक स्वरूप की है। भारत में पीडीएस व्यवस्था अनुपूरक स्वरूप की है, सप्लीमेंट्री है ये, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी परिवार या वर्ग को
जिसका मुख्य उद्देश्य किसी परिवार या वर्ग को आवश्यक वस्तुओं की संपूर्ण मात्रा उपलब्ध कराना नहीं है, संपूर्ण मात्रा उपलब्ध करवाना नहीं है। सरकार यह नहीं करती कि भाई ठीक है सारा का सारा ही दे देंगे, एक परिवार को आवश्यकता 50 किलो अनाज की है तो 50 किलो अनाज मिलेगा, नहीं, उसमें क्या मिलेगा, एक निश्चित मात्रा जितनी भी सरकार के द्वारा फिक्स की गई है उतनी मात्रा के अनाज को दिया जाता है। लिखो, भारत में पीडीएस व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में पीडीएस व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। पीडीएस व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। शुरुआत कब से हुई भारत में? आजादी के बाद से ही सरकारों ने क्या किया, ऐसा कुछ प्रणाली डेवलप कर दी थी अपने अपने हिसाब से, जिसमें क्या किया गया, वंचित वर्गों को टारगेट किया गया और उसके लिए सरकारी योजनाएं कैसे न कैसे करके पहुंचाई गई। तो पहला पॉइंट तो यही लिखिए, भारत में पीडीएस व्यवस्था की शुरुआत, भारत में पीडीएस व्यवस्था की शुरुआत ४९४७ से ही मानी जा सकती है, १९४७ से ही मानी जा सकती है, कौमा, जिसे वर्ष 1992 में, जिसे वर्ष 1992 में क्या नाम दिया गया, सुधरी हुई पीडीएस, आरपीडीएस, रिवैम्पाइज्ड पीडीएस, सुधरी हुई पीडीएस कहा जाने लगा, कहा जाने लगा, जिसमें दूरदराज पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में, दूरदराज पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया, रहने वाले वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया। तथ्य नंबर सेकंड, इसी 1992 में आरपीडीएस को बदल के बना दिया गया टीपीडीएस, टी का मतलब टारगेटेड, लक्ष्य आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो अगला पॉइंट लिखिए, वर्ष 1997 से लक्ष्य आधारित पीडीएस, कौन सी पीडीएस, लक्ष्य आधारित पीडीएस यानी टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू की गई, जिसमें उचित व कम मूल्यों पर, उचित व कम मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं लक्षित वर्ग को उपलब्ध कराने का, लक्षित वर्ग को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। अगला पॉइंट, भारत में वंचित वर्गों की श्रेणियां निम्नलिखित हैं, भारत में वंचित वर्गों की श्रेणियां निम्नलिखित हैं, जो वंचित वर्ग है उसकी श्रेणियां, पहला आता है कौन सा वर्ग, एपीएल वर्ग, अबोव द पॉवर्टी लाइन,
लिखो सामान्य आर्थिक कीमत पर, आवश्यक वस्तुएं दूसरा कौन सा वर्ग है? बीपीएल वर्ग। बीपीएल वर्ग में एपीएल वर्ग से आधी कीमतों पर, आधी कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं। अंत्योदय वर्ग भी था, पर अंत्योदय वर्ग को बना दिया गया, मिला दिया गया किसमें? बीपीएल वर्ग में। तो वर्तमान भारत में वंचित वर्गों की कितनी श्रेणियां हैं? दो हैं भाई। गरीबी रेखा से ठीक ऊपर यापन करने वाले तो विराट कोहली टाइप के लोग भी हैं, तो उनको थोड़ी ना उचित मूल्य की दुकानों से गेहूं मिलेगा, सिंपल सी बात। तो ठीक ऊपर का मतलब जो सौभाग्य से क्या नहीं है, बीपीएल नहीं है, बस उन्हीं को क्या कहा गया? एपीएल वर्ग कहा गया। अब हेडिंग बनाओ, भारत में पीडीएस के कार्य। भारत में पीडीएस के कार्य कौन करता है बताओ? केंद्र सरकार करती है कि राज्य सरकार करती है? दोनों मिलकर करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं। तो भारत में पीडीएस के कार्य में लिखो डैश करके, भारत में पीडीएस के कार्य, भारत में पीडीएस के कार्य केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित होते हैं। केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित होते हैं। जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं से रेखांकित किया जा सकता है, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं से रेखांकित किया जा सकता है। पहला कार्य सबसे पहले क्या होता है? खाद्यान्नों की खरीद एवं उचित रख रखाव, पहला काम तो यही होता है। आवश्यक वस्तुओं में खाद्यान्न ही है। खाद्यान्नों की खरीद एवं उचित रख रखाव, खाद्यान्न खरीदे जाते हैं, खाद्यान्न कौन से मूल्य पर? खरीद मूल्य पर। एमएसपी अलग होता है, खरीद मूल्य अलग होता है। कौन खरीदता है? एफसीआई, ठीक है। सेकंड, दूसरा पॉइंट, राज्य सरकारों के द्वारा लाभार्थियों की पहचान, राज्य सरकार क्या करती है? लाभार्थियों की पहचान करती है। तो ये राज्य सरकार का कार्य है, लिस्ट बनाएगी। फिर क्या होता है? लिस्ट बना के भेजी जाती है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो केंद्र सरकार के द्वारा खाद्यान्न जो है वो ट्रकों में लोड करके भेजे जाते हैं कि उतार लेना इनको पहुंचने पे। तो तीसरा कार्य है, आवश्यक मात्रा में खाद्यान्नों को राज्य तक पहुंचाना, आवश्यक मात्रा में खाद्यान्नों को राज्यों तक पहुंचाना। चौथा और अंतिम कार्य क्या है? उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं वंचित वर्गों को वितरित करना। ये चार कार्य हैं। बताओ चारों में से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कौन से कार्य में है? लास्ट वाले में, चारों में ही है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो भ्रष्टाचार से अछूता है। जब खाद्यान्नों को खरीदा जाता है तो भ्रष्टाचार होता है, फिर लाभार्थियों की जब पहचान की जाती है तो लाभार्थियों की पहचान भी कहीं ना कहीं राजनीतिक अप्रोच से पीड़ित होती है ना? विधायक जी के, मंत्री जी के, सरपंच जी के जो जानकार व्यक्ति होते हैं उनको लिस्ट में जुड़वा दिया जाता है कि ठीक है तुम्हें भी मिल जाएगा। और भारतीय लोग जो है वो कोई भी फोकट की चीज लेने में वैसे ही आगे आते हैं।
ठीक है कि ठीक है मिल रहा है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वृद्धावस्था पेंशन योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई, कौन से वृद्ध व्यक्तियों के लिए? जो वृद्ध व्यक्ति, ना ना सब 60 साल से, सारे ही नहीं है, कोई आरएएस अधिकारी रिटायर्ड है तो वो थोड़ी ना वृद्धावस्था पेंशन लेगा। ऐसे वृद्ध व्यक्ति जो अपना वृद्धावस्था का अच्छी तरीके से गुजर बसर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सरकार एक मंथली पेंशन देती है। और गांव में कई सारे वृद्ध ऐसे हैं जो 3-4 हजार रुपए तो पता नहीं कहां कहां खर्चा कर देते हैं महीने का, फिर भी उनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती, तो आत्मा तड़पती है कि है मोबाइल में मैसेज नहीं आया सब्सिडी का, देख के बताओ पोते को, कहते हैं कोई समझदार आदमी होता है भाई साहब इस बार पेंशन कैसे नहीं आई। ऐसे ही उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जो अनाज वितरित किया जाता है वो सारे परिवार को दिया जाना है क्या? नहीं, वो उन परिवारों को दिया जाना सरकार ने लक्षित रखा है जो वास्तव में अनाज की खरीद नहीं कर पाते हैं बाजार से। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हर जगह ही कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा है। फिर जब वो ट्रक रवाना होते हैं दिल्ली से या गोदामों से कहीं से भी, तो वो ट्रक बीच में कहां कहां रुकते हैं ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। लोग जानवरों का चारा तक खा गए सोचो, तो इंसानों का अनाज थोड़ी ना छोड़ेंगे, चारा घोटाला भी हुआ है। और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से तो पता ही आपको कि उचित मूल्य की दुकानों के जो वितरक होते हैं वो 2-3 घंटे तक तो सामान बेचते हैं और उसके बाद में कह देते हैं शटर डाउन करके कि माल खत्म हो गया, आएगा तब व्हाट्सअप कर देंगे आपको, अभी तो घर जाओ। तो कहने का मतलब चारों ही तंत्र में, चारों ही क्रियाओं में क्या है, भयंकर समस्याएं। तो वो समस्याएं कौन कौन सी हैं, अगली हेडिंग बनाओ, भारत में पीडीएस व्यवस्था की कमियां। भारत में पीडीएस व्यवस्था की कमियां, पहले इन कमियों को पढ़ेंगे और फिर कैसे दूर किया जा रहा है इनको, क्या वर्तमान में भी ऐसे वितरक ऐसे ही हैं क्या? नहीं। लिखो पहली कमी, भ्रष्टाचार एवं सब्सिडी लीकेज की समस्या। भ्रष्टाचार एवं सब्सिडी लीकेज की समस्या बहुत भयंकर समस्या है ये भ्रष्टाचार। अशोक गहलोत जी पिछली बार जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक बहुत मार्मिक कथन कहा था कि कौन नहीं है भ्रष्टाचारी, वो नहीं है, ऐसे हाथ नहीं खड़े करने, वो नहीं है भ्रष्टाचारी जिसको मौका मिला हो परंतु फिर भी भ्रष्टाचार ना किया हो। मौका ही नहीं मिला और फिर हम कहें भ्रष्टाचार नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं किया, तो फिर ये कहना बहुत आसान है। मौका मिले, मान लो आप आरएस बनने के बाद में ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज बना दिए जाएं और वहां पे आपने कोई बढ़िया मालदार गाड़ी रोक ली, अब गाड़ी रोकने के बाद में वो आपको गांधी जी के दर्शन करवाए, इसका मतलब आपके पास मौका है और फिर भी आप मना कर दोगे, नहीं नहीं मेरे को सरकार वेतन दे रही है, मेरे लिए वो पर्याप्त है, मेरा कार्य है, मैं मेरी ड्यूटी को पूरा करूं, उस समय भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो कहा जाएगा कि हाँ भाई हमारे में भ्रष्टाचार नहीं है। वरना तो मौका मिलते समय कई लोग ऐसे होते हैं जो मौके पे चौका मार ही लेते हैं। तो ये भ्रष्टाचार की समस्या क्या है, चारों ही कार्यों में मैंने आपको पॉइंट के हिसाब से बताई थी, तो भ्रष्टाचार की समस्या है। दूसरी सब्सिडी लीकेज, व्हाट इज दिस सब्सिडी लीकेज, इसी में लिख रखा है ना, भ्रष्टाचार एवं सब्सिडी लीकेज की समस्या। ये क्या है, गैस लीक होती है ना, सिलेंडर की गैस लीक होती है, सिलेंडर की गैस लीक होती है तो वो वहां चली जाती है जहां उसका कोई उपयोग नहीं होता है ना, कमरे में रसोई घर में फैल गई, रोशनदान से निकल गई बाहर, क्या मतलब। ऐसे ही सब्सिडी लीकेज का मतलब जिसको मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल पा रही है और उस व्यक्ति को मिल रही है जो सब्सिडी पात्र का पात्र नहीं है। इसीलिए मोदी जी को बड़े बड़े होर्डिंग लगाने पड़ते हैं जिसमें वो अपने आप आगे खड़े होते हैं और पीछे वो कई सारी जनता का हुजूम दिखाते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्सिडी का क्या किया है, परित्याग किया है। तो कृपया करके आप भी सब्सिडी का क्या करिए, त्याग करिए, ठीक है। लेकिन फिर भी सब्सिडी का त्याग करने वाले परिवारों की संख्या भारत में नाम मात्र की है। दूसरी, नवीन एवं उच्च तकनीकों का अभाव। बेगाराम जी कह रहे हैं कि आज मैं उदास लग रहा हूं, बताओ उदास लग रहा हूं, एनर्जी तो है, लाइट नहीं है एक्चुअली, आज ये कमरा दूसरा कमरा है ना तो इसमें लाइट आती है, 3-4 फोकस आता है तो हम भी एकदम साउथ अफ्रीका जैसे लगते हैं, अब ये लाइट नहीं आती तो कई बार वेस्ट इंडीज जैसे हो जाते हैं, वरना उदास उदास तो कुछ नहीं है। आपसे ज्यादा बर्डन है मेरे ऊपर की कोर्स कैसे कंप्लीट कराऊं, क्या पढ़वाऊं, क्या छुड़वाऊं। तो इसी मंत्रणा में बैठे थे अभी, बात कर रहे थे बुधेव सर से, तो उन्होंने कहा कि सर अपना एकदम 100% दीजिए बच्चों को, कोई नहीं बच्चे अपने आप ही डिसाइड कर लेंगे कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, क्या निचोड़ना है, क्या त्यागना है। इसलिए उसी मंत्रणा में थे, उदास नहीं थे, चिंतित इस बात का चिंतन कर रहे थे कि भाई आपको कैसे 100% डिलीवर किया जाए कम से कम समय में। तो मैंने मनीष सर को बोला है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक की क्लास लगा दो मेरी, 3 दिन बच्चे आ जाएंगे यहाँ पे, नाना दोना कोई नहीं, इट्स ओके,
तो वो देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल, टाइम मिलेगा अगले वीक में, 7 तारीख से ऐसे ही करेंगे। हाँ लिखो, नवीन व उच्च तकनीकों का क्या है, अभाव है। या फिर ऐसा कर लेते हैं कि आप लोगों के साथ हम भी तैयारी कर लेते हैं बैठे बैठे, 24-25 को साथ ही एग्जाम देने चलेंगे, तो आपको भी लगेगा कि हाँ ठीक है। क्योंकि कई बार मैं ऐप पे देखता हूँ, जैसे भूदेव सर की क्लास देख ली, पॉलिटी की क्लास देख ली, तो ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करते हैं कि सर भी तैयारी कर रहे हैं आरएस की। तीसरा, तो हम भी तैयारी करेंगे। अब तीसरी समस्या क्या है, नवाचार एवं कुशलता का अभाव। बेगा राम जी, मेरा नाम गौरव शर्मा, अब कपिल शर्मा तो है नहीं कि मैं हंसता रहूं हंसाता रहूं। नवाचार एवं कुशलता का अभाव है। ट्रकों में जीपीएस आ जाता है तो भी कोई पता नहीं चलता, जीपीएस नेविगेशन का अगर लगा भी दे तो क्या करें क्या नहीं करें, कुशलता नहीं है। नेक्स्ट समस्या है, चौथी समस्या, खाद्य प्रसंस्करण में वैज्ञानिकता का अभाव। खाद्य प्रसंस्करण में वैज्ञानिकता का अभाव, वैज्ञानिक विधियां नहीं है खाद्य प्रसंस्करण में। नेक्स्ट, पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा का अभाव। पोषण युक्त खाद्य सुरक्षा का अभाव, और एक है फर्जी राशन कार्डों, फर्जी राशन कार्डों से लाभों का दुरुपयोग। कहां बनते हैं राशन कार्ड इंडिया में, दुकानों पे, है ना? तो फर्जी राशन कार्ड बना लिए जाते हैं और उनसे क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं लाभों का दुरुपयोग किया जाता है। अब इनको सुधारे कैसे, तो अगला टॉपिक इसी में हेडिंग बना दो, पीडीएस व्यवस्था में सुधार के सुझाव। पीडीएस व्यवस्था में सुधार के सुझाव, क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं कि हाँ भाई इनको लागू करो। हाँ, डिजिटल व्यवस्था का, सूचना प्रौद्योगिकी का, जीपीएस व्यवस्था का, है ना, बायोमेट्रिक पहचान का, इनका सब कुछ कार्य होना चाहिए। लिखो, भारत में पीडीएस में व्याप्त, भारत में पीडीएस में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। सुझाव नंबर पहला, जितने भी सारे वाहन जो खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज लेके आते जाते हैं उनमें कौन सी व्यवस्था लागू करनी चाहिए, जीपीएस व्यवस्था लागू करनी चाहिए। तो पहला लिखिए, वाहक परिवहन साधनों में जीपीएस व्यवस्था को लागू किया जाए। सेकंड, उचित मूल्य के दुकानों में बायोमेट्रिक पहचान को अपनाया जाए। है? हाँ, काम में ले रहे हैं बिल्कुल, बस ये सुझाव है तो जो चल रहे हैं वो। तीसरा, सब्सिडी की राशि लाभार्थी तक प्रत्यक्ष पहुंचाने की व्यवस्था हो, क्या कहते हैं इसको, डीबीटी योजना, पहुंचाने की व्यवस्था हो, डीबीटी।
अगला लिखिए, अगला सुझाव, लाभार्थियों की पहचान में राजनीतिक हस्तक्षेप की बजाय राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रयोग में लाई जाए। इंपॉर्टेंट नोट लगाओ, इन्हीं सब सुझावों को अपनाने एवं लागू करने के लिए इक्कीस अगस्त 2014 को शांता कुमार समिति का गठन किया गया। समिति ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से पीडीएस व्यवस्था को सुधारने पर बल दिया। पीडीएस व्यवस्था को सुधारने पर बल दिया जिसके तहत डीबीटी योजना जो लागू कर दी गई थी ना, उसी को क्या किया गया था, इन्होंने ये बताया था कि इसी को चालू रखो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को, कॉमा वर्तमान सरकार डीबीटी योजना को किस नाम से, जैम त्रि संयोजक से चिन्हित करते हुए सब्सिडी लीकेज के नियंत्रण पर सराहनीय कार्य कर रही है। ठीक है, यह आपका पीडीएस व्यवस्था छोटा सा ही टॉपिक था। अब इससे भी छोटा टॉपिक आता है एक, एमएसपी क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो एक छोटी सी हेडिंग एमएसपी के बारे में भी लिख लेते हैं। व्हाट इज दिस एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाँ, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये तो बायोमेट्रिक पहचान के तहत आ चुका है ऑलरेडी। ऐसे तो छोटे 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 कई सारे हैं, जैसे राज्य सरकारों को विकेंद्रीकृत रूप से अनाजों की खरीद के लिए अधिकृत करना, ये सब कुछ इसी में शांता कुमार समिति का ही उदाहरण है। हाँ जी, अब कौन सा टॉपिक आता है हमारा, नया टॉपिक आता है कृषि में ही, जिसका नाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य।
एमएसपी। एक ऑनलाइन मैडम बैठी है, पता नहीं कहां बैठी है, दूर बैठी है, वो कह रही है कि क्रैश कोर्स में तो आप रजत शर्मा को भी मात दे रहे हो। बताओ, रजत शर्मा जी न्यूज एंकर है, काफी पॉपुलर है, मेरे को अच्छा लगा उनका कमेंट, कॉम्प्लीमेंट, कंपैरिजन, सारा सब कुछ, पर उनके सर पे बाल नहीं है, तो अब ये पता ही नहीं है मेरी फोटो उतार रही है कि मेरी प्रशंसा कर रही है, समझ भी नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है भाई, आपको देखो थोड़ा सा इसका इतिहास बता दूं। हरित क्रांति आई 1966 के बाद, ठीक है, और इससे क्या हुआ, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, बढ़ा, प्लस प्लस प्लस, खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा तो खाद्यान्नों की आपूर्ति भी क्या हुई, बढ़ी। खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ी तो खाद्यान्नों का जो मूल्य है उसमें क्या आई, गिरावट आई, और मूल्य में गिरावट आई तो नाराज कौन हुए, किसान, किसानों को इससे क्या हुई, हानि। इसका मतलब खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ना किसानों के लिए हानिकारक है, तो क्या करें फिर, अकाली पढ़ने दें, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं लेके आए, नहीं, समानांतर कोई ऐसी व्यवस्था लागू की जाए कि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़े भी और किसानों को क्या मिले, उनकी उपज का एक उचित मूल्य तो मिले ही मिले। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हरित क्रांति के लगभग समानांतर व्यवस्था में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्या किया गया, घोषित करने का निर्णय लिया गया, और इसमें सरकार बुवाई के समय ही या बुवाई से पहले ही यह घोषित कर देती है कि फसल की कटाई होने के बाद में एक न्यूनतम मूल्य सरकार जो है वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगी, यानी किसानों के पास में एमएसपी को बेचने की बाध्यता है या वैकल्पिक है, विकल्प, बाध्यता नहीं है, विकल्प है। अगर किसान चाहें तो क्या कर सकते हैं, बाजार में जाकर भी बेच सकते हैं, और वहां अगर उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, एमएसपी में भी एक तरीके से सरकारी गोदामों में या सरकार को बेच सकते हैं। इसके लिए कोई मंत्रालय नहीं है, इसके लिए बाकायदा एक कृषि मूल्य लागत आयोग नामक करके एक आयोग है, वो ही क्या करता है, एमएसपी की घोषणा प्रतिवर्ष करता है, कितनी बार, दो बार, रबी फसल के लिए अलग करता है और खरीफ फसल के लिए अलग करता है। और इसी एमएसपी की गणना में कुछ सुधार करने के लिए स्वामीनाथन आयोग को गठित किया गया था, जिसकी सिफारिशों को वर्तमान सरकार ने लागू करते हुए एमएसपी में काफी हद तक बढ़ोतरी की है। सीटू लागत का पहले 10% होता था, अब क्या करने लगे विगत वर्षों से, सीटू लागत का 50% जोड़कर एमएसपी की घोषणा की जाती है। तो एमएसपी क्या है, लिखो, सरकार द्वारा किसानों को कृषि उपज एक पूर्व निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर खरीदने का आश्वासन दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एमएसपी कहते हैं। ताकि कृषि उत्पादक उत्पादन वृद्धि के लिए प्रोत्साहित हो सके, कृषि उत्पादक उत्पादन के लिए क्या हो सके, प्रोत्साहित हो सके, एवं कृषि उपजों के बाजार मूल्य गिरने पर भी कृषि मूल्यों के बाजार मूल्य गिरने पर भी कृषि उपजों के बाजार मूल्य गिरने पर भी न्यूनतम मूल्य रूपी सुरक्षा, न्यूनतम मूल्य रूपी सुरक्षा
प्रदान की जा सके। एमएसपी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, एमएसपी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, पहला पॉइंट, कौन करता है एमएसपी की घोषणा? सीएससीपी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो लिखो, भारत में एमएसपी की घोषणा वर्ष 1985 में स्थापित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। दिमाग में सवाल आया क्या? दिमाग में नहीं आया, वो एग्जाम में आ जाता है, प्री में, क्या मेंस में तो नहीं आता कि एमएसपी तो 1966 के बाद ही शुरू हो गया, और एमएसपी को घोषित करने वाली संस्था कब आई? 1985, तो 66 से 85 तक कौन करता था? तो कोमा लगा के लिखो, इससे पूर्व एमएसपी की घोषणा कृषि मूल्य आयोग के द्वारा की जाती थी। '64-65 में स्थापित हो गया था ये। तीसरा पॉइंट या दूसरा पॉइंट जो भी आ रहा है, महत्वपूर्ण तथ्य या पॉइंट्स बनाना के लिखते रहो। भारत में एमएसपी की घोषणा वर्ष में दो बार की जाती है। कौमा, रबी व खरीफ फसलों की बुवाई से पूर्व अगला पॉइंट, सीएसीपी के द्वारा एमएसपी की घोषणा से पूर्व निम्नलिखित लागतों का अध्ययन किया जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन संगीता मैडम, विजय। कौन सी लागत आती है? सबसे पहले लिखो कौन सी लागत, C2 लागत। C2 लागत क्या होती है? लिखो, उत्पादन की लागत। जितनी भी उत्पादन की लागत आती है उसको क्या कहते हैं? C2 लागत कहते हैं। जैसे जो भी खर्चा आता है, बुवाई, सिंचाई, उर्वरक, बीज, ठीक है, कोई लगान, कोई परिवहन, एटसेट्रा, जितना भी फसल को उगाने से लेके काटने तक खर्चा आता है, सारा का सारा लागत कौन सी आती है? C2 लागत आती है। अब C2 लागत के बाद में दूसरी लागत आती है, कौन सी? C3 लागत। तो ये C2 लागत प्लस 10% ऑफ C2 लागत, इंपॉर्टेंट नोट, विगत वर्षों से
सी3 लागत विगत वर्षों से सी3 लागत की गणना सी2 लागत प्लस 50% ऑफ सी2 कॉस्ट के अनुसार की जा रही। कौन सा आयोग है? स्वामीनाथन आयोग 2006। नहीं नहीं, 6 से नहीं कर रहे। हाँ, रिपोर्ट चाहिए तो 2015-16 के बाद से हुआ है। 15-16 के बाद भी कभी किया कभी नहीं किया। अब कुछ रेगुलर 3 वर्षों से करती जा रही है सरकार। अब एक इंपॉर्टेंट नोट लगाओ, खरीद मूल्य। खरीद मूल्य एमएसपी खरीद मूल्य होता है क्या? नहीं, एमएसपी की घोषणा तो पहले ही हो चुकी होती है। कटाई होने के बाद में किसानों के मन में असंतोष आ जाएगी, नहीं नहीं साहब, आपने जो एमएसपी घोषित किया था उससे तो हमारा खर्चा ही नहीं निकलेगा। तो सरकार क्या करती है, एमएसपी में थोड़ा और बढ़ा के एक मूल्य डिसाइड कर देती है, जिसको क्या कहते हैं, खरीद मूल्य कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट नोट लगा दो, खरीद मूल्य क्या होता है? यह वह वास्तविक क्रय मूल्य होता है जिसकी घोषणा कृषि उपज को क्रय करते समय की जाती है। जो अधिकांशतः है एमएसपी से क्या होता है, अधिक ही रहता है। अधिकांशतः है एमएसपी से अधिक ही रहता है। एक और इंपॉर्टेंट नोट, वर्तमान में कुल 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती और ये 23 फसलें कौन कौन सी, ये भी लिखाऊं क्या? नहीं, इतना तो जरूरी नहीं है, पर इतना पता होना चाहिए कि इसमें दलहन है, तिलहन है, अनाज है और व्यापारिक फसल है। व्यापारिक फसल कितनी है? 4 है, और 4 व्यापारिक फसलों में से एक व्यापारिक फसल है गन्ना। तो गन्ने का एक FRPP डिसाइड होता है, किसके द्वारा? गन्ना उत्पादक राज्यों के द्वारा। और इसी FRP को लेके जब मुलायम सिंह यादव जी के बेटे अखिलेश यादव जी क्या थे, CM थे, तो एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था केंद्र सरकार के साथ, किसका? उत्तर प्रदेश सरकार का। बाद में मोदी जी ने ये कहा था कि FRP जो है वो FRP घोषित तो कर दिया, घोषित करना ही सब कुछ थोड़ी ना होता है, खरीदा नहीं जाता है, और खरीद लिया जाता है तो पेमेंट नहीं आता है। तो गन्ना उत्पादकों को पेमेंट नहीं दिया गया था, तो उस पेमेंट के लिए गन्ना उत्पादकों ने केंद्र सरकार के समक्ष गुजारिश की थी। तो केंद्र सरकार ने कहा था कि फिर वो सारा का सारा गन्ना जो है वो कौन खरीदेगी? केंद्र सरकार खरीदेगी। तो कई बार FRP को लेके क्या होते रहते हैं, कुछ विवाद भी होते रहते हैं। लास्ट हेडिंग इस कृषि वाले टॉपिक की, नए कृषि कानून। वैसे तो देखो, सही बताऊं तो वर्तमान समय में तो ये कानून समाप्त हो चुके हैं, तो कोई इनका औचित्य नहीं रहा, कोई इनकी प्रासंगिकता नहीं रही, लेकिन ये चर्चित विषय हैं, क्योंकि इन्होंने किसान समुदाय को क्या कर दिया था, भयंकर आक्रोशित कर दिया था, नाराजगी हो गई थी, और किसानों ने एक बहुत अथक सतत आंदोलन करते हुए सरकार को विवश किया कि सरकार इन कानूनों को क्या कर ले, वापिस ले ले। तो ये 3 कानून है, लिखो,
कृषि क्षेत्र में सुधार करने एवं किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु निम्नलिखित तीन नए कृषि कानून प्रस्तावित किए गए हाल ही में जिन्हें सरकारी घोषणा के तहत हाल ही में जिन्हें सरकारी घोषणा के तहत क्या कर लिया गया है, वापस ले लिया गया है, यानी रद्द कर दिया गया है। मैं माफी चाहता हूं मित्रों, मैं अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाया आप तक अच्छे से, तो आप नाराज मत हो। यूपी के चुनाव है, सॉरी यूपी के चुनावों को ध्यान में ना रखते हुए मेरा मेन फोकस है किसानों का कल्याण। ये सब फर्जी बातें हैं कि मैं किसान विरोधी हूं, ये हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो लाया ही था ये कानून आपको लोगों के विकास के लिए, पर ठीक है कोई नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो ये बड़ा चर्चित मुद्दा रहा है कि तीन कृषि कानून क्या थे क्या नहीं थे, और ये बहुत बड़ी सहायता हुई है स्टूडेंट्स के लिए कि ये तीनों कानून क्या हो चुके हैं, रद्द हो चुके हैं। अब फिर भी क्या पता आरपीएससी का पेपर सेट करने वाला बोले कि मैं तो पूछूंगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी समाप्त हो चुका है पर फिर भी सवाल तो पूछूंगा मैं। ऐसे ये कानून समाप्त हो गए तो कुछ ना कुछ तो पता चले कि क्या था क्या नहीं था। हमारा फायदा ये हो गया कि ठीक है आप तक तो पूछा जा सकता है, आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाए तो ही बढ़िया है, क्योंकि प्रासंगिक तो है नहीं। इनके नाम ही इतने टिपिकल हैं कि याद ही नहीं होते। पहला नाम लिखो, मैं भी देख के लिखाता हूं, कृषि उपज। पहला कौन सा है? कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य। तभी तो किसान उग्र हो गए कि हमारे बच्चे बच्चे पढ़ते हैं, इतने बड़े बड़े नाम लिख दिए। संवर्धन एवं सरलीकरण, बताओ सरलीकरण है क्या कहीं? संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020। अब देखो एक बात बताऊं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इकोनॉमी का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। हर प्रकार के एग्जाम में इकोनॉमी के जो टीचर होते हैं पढ़ाने वाले, या तो वो मोदी विरोधी कहलाते हैं और या वो मोदी प्रशंसक कहलाते हैं। आपको स्टूडेंट्स को क्या नहीं करना है, ना तो मोदी विरोधी बनना है और ना ही मोदी प्रशंसक बनना है। क्योंकि इंडिया में क्या है ना कि हर व्यवस्था में ही कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हर व्यवस्था का ही होता है। बचपन से हम किसी न किसी परिवार में जन्म लेते हैं तो परिवार का एक अलग से छाप होती है कि भाई पापा दादाजी ताऊ जी सबके सब मिलकर किसी एक पार्टी को वोट करते आए हैं, तो हम भी उसी पार्टी के क्या बन जाते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं। फिर जब हम थोड़े बड़े होते हैं उसके बाद में व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे डिग्रियां बिकती हैं, तो वहां पे कई ऐसे सारे मैसेजेस आते हैं जिनको देख के ऐसे लगता है कि नहीं नहीं ये तो फर्जी पार्टी है, ये जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय की जो डिग्रियां आ रही हैं, शोध अनुसंधान हो रहे हैं बढ़िया बढ़िया, ये थोड़े अच्छे हैं, इसके हिसाब से इनको बढ़िया तवज्जो दी जाती है। आपको अभ्यर्थी होने के नाते ना तो किसी पार्टी के पक्ष में आना है और ना ही किसी पार्टी के विपक्ष में आना है। जैसे ये पूछ ले कि ये कानून रद्द किए गए, विचार प्रस्तुत कीजिए, तो आपको कोई हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल नहीं लिखना है कि आप अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारा मेन टारगेट तो कॉपी चेक करने वाले की मानसिकता को संतुष्ट करना है, और कॉपी चेक करने वाला किस मानसिकता से बैठा है पता नहीं, सब मध्यकालीन भारत के हैं वो, और वो वर्तमान में आरएसएस बीजेपी की पक्षधारा में हो नहीं हो पता नहीं, क्या हो क्या नहीं हो, कल को आप भड़ास निकाल के आ जाए ये कानून बहुत अच्छे थे, फालतू में विरोध कर करके खालिस्तान के सपोर्ट से किसान जो थे वो क्या हो गए थे, वो भयंकर आक्रोशित हो गए थे। उन्हीं किसानों में से एक गुट ने मोदी जी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी हमला कर दिया था, मोदी जी जैसे दिग्विजय पुरुष 56 इंच का सेना लेके पैदा होने वाले, वो भी अपने काफिले को मायूस होके उनको क्या करना पड़ा, वापिस लौटना पड़ा। ये कोई किसानों के कार्य होते हैं क्या?
किसान तो क्या करें, खेती करें, धोती कुर्ते में रहें, एसी के सपने क्यों लेते हैं, क्यों फालतू में वो लैम्बर्गिनी गाड़ी में घूमने के सपने लेते हैं। सरकार ने सोचा था तो अच्छा ही सोचा था, लेकिन करें क्या। फिर भी मोदी जी ने सोचा कि चलो कोई नहीं, अगर किसान असंतुष्ट हैं तो किसानों के फायदे के लिए क्या कर दिया, इसको रद्द कर दिया गया। लेकिन अगर इनको लागू किया जाता तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आते। अब चूंकि रद्द हो चुके हैं तो परिणाम पर चर्चा करने का विषय नहीं है। शब्द सीमा समाप्त। जय हिंद जय मोदी, है ना। अब जय हिंद जय मोदी करके आगे, अब कॉपी चेक करने वाला कांग्रेस मेंटेलिटी का है मान लो, तो क्या करेगा वो, फिर आरटीआई में कॉपियां मंगवाते रहो। हमारे को इतना बढ़िया लिखा था, दो नंबर दिए, आधा नंबर दिए, एक दिया, वो दिया। अब कई जने ऐसे रवीश कुमार को, कन्हैया कुमार को देख देख के बड़े होते हैं मान लो, वो कह दें कि बहुत अच्छा किया ये, ये होना ही चाहिए था, हमें तो ये समझ में नहीं आया कि ये किसान कानून लागू क्यों किए गए थे, लागू करने का औचित्य ही नहीं है। अगर ये लागू ही नहीं होते तो आज प्रश्न कॉपी में ये लिखना नहीं पड़ता, प्रश्न सेट करने वाला ये प्रश्न नहीं पूछता। आत्मघाती फैसले होते जा रहे हैं मई 2014 के बाद, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी नए कृषि कानून। सरकार को लागू किए गए सारे फैसलों को वापस ले लेना चाहिए, नोटबंदी को भी वापस ले लेना चाहिए, जीएसटी को भी वापस ले लेना चाहिए। ये तो किसानों के विकास में, आर्थिक सामाजिक न्याय के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी, इसको दूर कर दिया गया, अच्छा किया। इसलिए हम किसानों के क्या हैं, शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को बहुत ज्यादा बढ़ाया और एमएसपी पर अपनी मांग को अडिग रखा। अब कॉपी चेक करने वाला मान लो आरएसएस में जाता है शाम को रोज, शाखा संचालक है वो, है ना। अब वो ऐसे कोई आंसर देखेगा तो क्या करेगा, वो नंबर काट लेगा। इसका मतलब हमें कोई भी ऐसा कोई वक्तव्य लिखना ही नहीं है जिससे ये पता चल जाए कि हम किसी पार्टी के क्या हैं सपोर्ट में। हम प्रशासनिक अधिकारी हैं और प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद में एक ही कर्तव्य होगा हमारा कि सरकार के हम क्या करें, सरकार की नीतियों का प्रचालन प्रसारण कहीं ना कहीं करें। अब जैसे अभी एसडीएम साहब को फटकार पड़ी थी ना, वायरल हो रहा है वो वीडियो, उन्होंने वो कोई सभा में, वो क्या ना पार्टी में कहीं ना कहीं बह जाते हैं, बहते ही। अब आप भी बहोगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दूंगा तो आप निष्पक्ष बन जाओगे कि ठीक है सर हमारे लिए कांग्रेस बीजेपी सब बराबर है, देश पहले है। नहीं, आप भी कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के बाद में आएंगे। अब आएंगे तो वो भी चले गए, किसी सांसद के, पुराने सांसद की तो तारीफ कर गए, वर्तमान सांसद की बुराई कर गए। अब उन्हें क्या पता था कि वही सांसद आने वाले हैं, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा, व्हाट्सएप पे वायरल हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीजों से दूर रहते हुए अर्थव्यवस्था के टॉपिक में जहां आपको आलोचनात्मक समीक्षा करने को मिले, वहां पर ऐसी आलोचना भी नहीं करनी है दिल खोल के कि आलोचना ही हो जाए, और तारीफ के पुल बांधने हो तो ऐसे भी नहीं बांधने हैं कि भाई बस कुछ है ही नहीं आलोचना करने लायक, तो करेगा। हिंदुस्तान आजादी मई 2014 के बाद हुआ है तो विकास भी 2014 के बाद ही होगा, ऐसी बातें भी नहीं लिखनी है। तो इनके मेन मेन प्रावधान पढ़ेंगे, इनमें कमियां क्या थी, किसानों की क्या मांग थी, सरकार का क्या पक्ष था, खत्म। लिखो इसमें, लिखो वर्तमान में किसानों को अपनी उपज, वर्तमान में किसानों को अपनी उपज के विक्रय में सबसे ज्यादा दुख तो मीडिया को पहुंचा। ये कृषि कानून रद्द होने के बाद जितने भी सारी मीडिया पहले किसानों को उग्रवादी बता रही थी, खालिस्तान समर्थक बता रही थी, वो उनको ये लग गया था कि मोदी सरकार की क्या करनी है, प्रचार प्रसार करना है, मोदी जी ने लागू किया तो अपने तो सुबह से शाम तक एक ही बात कहते रहो, ये किसानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बाद में रद्द करने के बाद में वो बौखला गए, इनको रद्द कर दिया, अब हमारे चैनल पे क्या होगा एक तरीके से कटाक्षेप हो जाएगा, तो वो किसको मुंह दिखाएं अब सही बात है, डोंट कैच द वर्ड्स, कैच द फीलिंग्स। लिखिए भाई वर्तमान में किसानों को अपनी उपज के विक्रय में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में किसानों को अपनी उपज के विक्रय में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसानों के लिए अधिसूचित कृषि उत्पाद विपणन समिति, इन्वर्टेड कोमा में लिखना, कृषि उत्पाद विपणन समिति, क्या कहते हैं इसको, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट
मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी वाले बाजार क्षेत्र के बाहर एपीएमसी वाले बाजार क्षेत्र के बाहर कृषि उपज के विक्रय पर कई प्रकार के प्रतिबंध राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। ये पहला पॉइंट बना देना, ये इसकी भूमिका स्पष्ट कर रहा है ये पहला पॉइंट कि वर्तमान में क्या है कि कृषि उपज को लेके जब किसान जाते हैं तो वो कहां जाके बेचते हैं, एपीएमसी, और एपीएमसी पर राज्य सरकार का क्या होता है कंट्रोल, यानी राजस्थान के किसान कहां जाके बेचेंगे, राजस्थान की मंडियों में। जैसे ही वो पंजाब में जाके बेचेंगे तो पंजाब सरकार क्या करती है, उन पर कुछ प्रतिबंध लगा देती है। तो प्रतिबंधों के कारण किसान क्या होते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, और पंजाब का किसान पंजाब में उपज को बेचेगा, हरियाणा का किसान हरियाणा में बेचेगा, राजस्थान का राजस्थान में बेचेगा। सेकेंड पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा एक ऐसे तंत्र की स्थापना का प्रयास था, अब तो था लिख सकते हैं डंके की चोट पर, ऐसे तंत्र की स्थापना का प्रयास था जिसमें किसान अपनी उपज को अंतरराज्य स्तर पर बेच सके। जहां उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त हो, क्या हो, उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त हो। तीसरा पॉइंट, कृषि उपजों के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की, कृषि उपजों के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की व्यवस्था भी अधिनियम में की गई थी। अधिनियम में की गई थी एवं यह भी वर्णित किया गया था कि किसानों से उनकी उपज के विक्रय पर किसी भी प्रकार का उपकर नहीं लिया जाए, किसानों से उनकी उपज के विक्रय पर किसी भी प्रकार का क्या ना लिया जाए, उपकर, कर के ऊपर कर, उपकर कहलाता है, उपकर नहीं लिया जाए। ये तीन प्रावधान है मेन, और तो कितना ही डिटेल में पढ़ लो भली। अब क्या आपत्ति थी भाई किसानों को इससे, अच्छा था ना, ये तो सुनने में ऐसे रोंगटे खड़े हो गए पढ़ते पढ़ते कि यार रे, बड़ी एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी थी वो मिस हो गई, काश ऐसा हो जाता, चौमुखिया किसान जो था वो केरल में जाके गेहूं बेच सकता था, कि उसको पता चलता कि केरल राज्य में चौमुखिया किसान को क्या मिल रहा है, गेहूं का एक बढ़िया मूल्य मिल रहा है, जोधपुर के किसान को लगता कि आंध्र प्रदेश में क्या हो सकता है, उसके अनाजों का बेहतर मूल्य मिल सकता है, तो वो काश वहां जाके बेचता, कोई भी केरल सरकार या आंध्र प्रदेश की सरकार उस पर क्या नहीं लेती, कर नहीं लेती, तो कितनी बढ़िया व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था इसमें क्या थी, किसानों की मुद्दा क्या था इसमें, ये तो किस सरकारी पक्ष हुआ, किसान क्या कह रहे थे, है? एपीएमसी की प्रासंगिकता
और उसके औचित्य को ये वाला अधिनियम क्या कर रहा था, साइडलाइन खत्म नहीं कर रहा था, साइडलाइन कर रहा था कि जाओ केरला में, केरला में जाके आप बेचो, जहां आपको बाजार दिख जाए वहां पे जाके बेच सकते हो। तो इससे सरकारी तंत्र जो था वो अपने आप में क्या हो जाता, एक अधीनस्थ तंत्र बन जाता। और क्या होता, प्राइवेट मंडियां जो थी वो जैसा कि इन्होंने बताया, प्राइवेट मंडियों का कहीं ना कहीं प्रादुर्भाव होता, और प्राइवेट मंडी के खरीददार, खरीददार मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, और खरीदने वाले की टेंडेंसी एक बार मैंने बातों बातों में आपको बताई थी कि खरीदने वाले को क्या लगता है, कोई भी खरीदार क्यों ना हो, विराट कोहली टाइप के लोग भी है ना, तो भी उनके भी एक टेंडेंसी होती है कि वो जितना मूल्य दे रहे हैं वो ज्यादा ही दे रहे हैं, उनको जो मिल रहा है वो क्या नहीं मिल रहा, उस कीमत के बराबर नहीं मिल रहा, कीमत से कम मिल रहा है, तो वो क्या चाहते हैं, बार्गेनिंग करना चाहते हैं, बार्गेनिंग एक अधिकार है। तो ऐसी दशा में इस बात की क्या गारंटी थी कि राजस्थान का किसान केरल में जाके जब अपने गेहूं बेचेगा तो केरल का उसका जो ज्यादा मूल्य है उससे वो सारी लागत भी पूरी की पूरी कवर कर लेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किसका, किसान का। किसान राजस्थान के किसान राजस्थान में क्यों बेचते हैं उपज, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं ना कि चल ठीक है शहर में मिल रहे हैं 15,000 की नौकरी, गांव में मिल रही है 10,000 की नौकरी, तो कौन सी बेटर है, गांव की कर लो 10,000 की, बेहतर मूल्य मिल रहा है 15,000 रुपए, लेकिन शहर में रहने के खर्चे भी तो हैं। गांव में 10,000 रुपए में हम वो जीवन जी सकते हैं जो शहर में 15,000 रुपए कमाकर भी जीवन जिया नहीं जाएगा, घर का शुद्ध खाना भी खाने को मिलेगा, शाम को बैठ के चौपड़ खेलेंगे, ताश खेलेंगे, कोई मान लो कोई वृद्ध व्यक्ति उनके साथ बैठ के टाइम पास करेंगे, है ना, अच्छी बातें सीखेंगे, ये चीजें शहरों में कहां मिलेगी। तो बेहतर मूल्य का मतलब अधिकतम मूल्य नहीं होता, बेहतर मूल्य वो होता है जिसमें लागत क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो क्या लागत कवर हो पाती, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब ये अधिनियम अपने साथ इन राज को लेके चला गया, रहस्यों को। अगला अधिनियम लिखो, दूसरा अधिनियम, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन कीमत आश्वासन, इस पे सबसे बड़ा विवाद था, कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम, एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम, करार कहते हैं अनुबंध को, 2020, ये दूसरा। कृषक को क्या कर रहा है, ये सशक्त भी कर रहा है, संरक्षण भी प्रदान कर रहा है, और किसके तहत कर रहा है कि जो कीमत आश्वासन है वो एक करार के तहत तय हो सके। बस यही अधिनियम था जो एमएसपी को क्या कर रहा था, साइडलाइन, और इससे किसानों के मन में एक अनचाहा भय आ गया था। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपको निष्पक्ष होकर बताऊं तो अगर यह अधिनियम हूबहू लागू हो जाए या हो जाता या भविष्य में कभी लागू हो जाए तो एमएसपी की व्यवस्था अपने आप ही क्या हो जाएगी, मार्केट से खत्म हो जाएगी। जैसे ऑनलाइन क्लासेस ने ऑफलाइन क्लासेस के चार्म को क्या कर दिया, कहीं ना कहीं कम कर दिया, तो आने वाला समय किसका है, ऑनलाइन का है ना। ठीक वैसे अब किसी ने कोई बाध्य थोड़ी ना किया कि ऑनलाइन क्लास ही लेनी पड़ेगी, ऑफलाइन ले ही नहीं पाओगे, परिस्थितियां कुछ ऐसी आ चुकी हैं कि स्टूडेंट्स को लग चुका है कि घर बैठे ही वो चीजें मिल रही हैं, तो इन चीजों के लिए जयपुर क्यों जाया जाए। ठीक है, कुछ अलग अलग कारण होंगे, उसकी वजह से चले जाएंगे, बात खत्म। लेकिन घर पे अगर सारी चीजें हो रही हैं तो वहां पे पीजी का खर्चा क्यों करें, क्लास में पढ़ाने वाले टीचर भी ऐसा ही पढ़ा रहे हैं जैसे ऐसे लगता है कि ऑनलाइन वाले क्लासेस की फीलिंग भी वही है जैसे ऑफलाइन वाले क्लासेस की है, तो फिर ये काम करते हैं ऑनलाइन क्लासेस ही ले लेंगे। रिप्लेस किया ना ऑफलाइन को किसने, ऑनलाइन, बाध्य थोड़ी ना किया। कहीं ना कहीं किसानों का जो एक भय था, एक अनचाहा भय, वो भय भी कहीं ना कहीं जायज ही था, क्योंकि सरकार विगत कई वर्षों से एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा अपने आप को हीन समझ रही है अंतरराष्ट्रीय विवाद के मुद्दों पर, और वो क्या है, एमएसपी। आपको पता है एमएसपी क्या है, एक प्रकार की सब्सिडी है, एमएसपी सब्सिडी है, और इस सब्सिडी पर नियंत्रण करने के लिए डब्ल्यूटीओ वैसे ही क्या करता जा रहा है, भार बढ़ाता जा रहा है कि साहब एमएसपी जो आप दे रहे हो ना ये एक अनुचित
मांग और आपूर्ति के मध्य असंतुलन क्रिएट कर देती है। एमएसपी से किसान क्या होते हैं, प्रोत्साहित हो जाते हैं। आपके टीचर आरपीएससी में पढ़ाते हैं तब यही लिखाते हैं कि किसानों को, किसान अपनी उपज को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिए आप एमएसपी दे दो। और सब्सिडी हमेशा बाजार प्रतिस्पर्धा के नियमों के क्या मानी गई है, विरुद्ध मानी गई है। तो सरकार सोचे करे तो करे क्या आप, कि भाई एमएसपी नहीं देंगे तो किसान ना खुश है, तो एक काम करते हैं जो खरीदता है उसी को बोल देते हैं कि तुम और बेचने वाले दोनों आपस में क्या कर लो, एक करार कर लो, एक अनुबंध कर लो। अनुबंध कृषि पढ़ी होगी आपने, अनुबंध कृषि में पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है कि मैं तुम्हारे खेत की सारी फसल मैं ही खरीद लूंगा। बुआई से पहले ही क्या कर दिया जाता है, एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे बाबा रामदेव है ना, ग्वार पाठा पहले ही खरीद लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं एलोवेरा। तो वो एलोवेरा जो होती है उसके कृषक को पहले ही बाबा रामदेव कह देते हैं कि खेत में जितना भी एलोवेरा हो वो सारा का सारा हमें दे देना और ये पकड़ो पैसे। अब वो पैसे ज्यादा मिले कि कम मिले वो बाद की बात है, तुम्हारा खर्चा कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो बाद में देखेंगे, पहले एक मूल्य पर हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, सिंपल। तो ये व्यवस्था भी कहीं ना कहीं फार्मिंग जो है हमारी उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बदल रही थी। किसानों को यह कहा गया था इस अधिनियम के तहत, सरकार ये कहना चाहती थी कि आपको अब सरकारी मंडियों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाइए किसके पास, गोदाम के मालिकों के पास, संरक्षण करने वाले लोगों के पास, और वहां जाके उनके साथ में करार कर लीजिए। कलेक्टिव बार्गेनिंग में हम एफपीओ को बढ़ाते जा रहे हैं, आप एफपीओ के तहत एक मूल्य फिक्स करिए और उस मूल्य से आप क्या कर लीजिए, अपनी उपज को बेच के पैसे लेके घर पे आ जाइए। तो सरकार का सब्सिडी का भार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और किसानों को मूल्य वो मिलेगा जो बाजार में। तो ये व्यवस्था तो ऑलरेडी है, अभी भी तो यही है, लेकिन ये अधिनियम कहीं ना कहीं अगर लागू हो जाए तो वही बात होगी जैसे ऑनलाइन ने ऑफलाइन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। वर्तमान में अगर वो कृषि उपज मंडी में जाके बेचे और उनको वो उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो तो किसानों के पास एक विकल्प है, किस बात का, किस बात का विकल्प है, कि वो एमएसपी में क्या कर सकते हैं, सरकार को बेच सकते हैं। अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस इतनी ज्यादा व्यापक हो गई कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बड़े बड़े भवन जो ले रखे थे वो सब तो खत्म कर दिए और दो कमरों का फ्लैट ले लिया और वहां पे स्टूडियो लेके वो ऑनलाइन पढ़ाने लग गई, तो ऑफलाइन बच्चे अपने आप ही क्या हो गए, मार्केट से आउट हो गए। जबकि ऐसा लिखा हुआ हो कि बच्चे अगर चाहें तो वो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में सुरक्षा का भाव रहता है कि ऑनलाइन समझ में नहीं आया तो ऑफलाइन पढ़ लेंगे। ये सुरक्षा का भाव जो था वो अधिनियम क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं समाप्त कर रहा था। तो किसानों का जो प्रदर्शन था, किसानों का जो विरोध था वो भी जायज था। जो निजीकरण के पक्ष के लोग हैं वो क्या कहेंगे कि बिल्कुल साहब ये ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि कब तक आप किसानों को एक न्यूनतम मूल्य देकर प्रोत्साहित करते रहेंगे, मांग और आपूर्ति में भयंकर असंतुलन आ रहा है, उससे कई सारे नुकसान भी देश को भुगतने पड़ रहे हैं। इतना अंतरराष्ट्रीय गुड नॉलेज की बात नहीं है, किसानों के हितों की बात करें तो उनका जो विकल्प प्रदान करने का जो आश्वासन था उसके ऊपर एक अधिनियम कुठाराघात कर रहा था। खैर मिलती है, क्यों नहीं मिलती, मिलती है, मिलती है। बस एमएसपी को पूरा करने की जो शर्तें हैं ना, जैसे आप गेहूं लेके जाओगे तो वो गेहूं को चेक करके बोलेंगे इसमें पानी कम लगा हुआ है, ये दाना ऐसा है वैसा है, तो एमएसपी जितना घोषित किया उसका इतना मिलेगा आपको, मिलता है, ऐसा नहीं है, मिलती है। एमएसपी राजस्थान के किसानों को नहीं मिलती होगी, हो सकता है कि राजस्थान के किसान एमएसपी में नहीं बेचते पाते होंगे, लेकिन पंजाब हरियाणा वो तो मिलती उनको, तो वो चलते ही किस पर है, एमएसपी के ऊपर ही चलते हैं। इसीलिए तो सबसे ज्यादा विरोध किसको, भाई आज आरपीएससी के एग्जाम रद्द कराने के लिए कोई ये कह दे, जैसे मीडिया चैनल ने बताया था ना कि किसान खाली पंजाब हरियाणा के क्या, केरल को और यूपी को और राजस्थान वालों को, इनको दिक्कत क्यों नहीं हो रही। तो अभी आरपीएससी के मेंस एग्जाम, आरएस मेंस एग्जाम को कैंसिल कराने के लिए आरएस मेंस अभ्यर्थी क्यों आ रहे सड़क पर, एसआई वाला क्यों नहीं आ रहा, कांस्टेबल वाला क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि किनके हितों पर कुठाराघात है, आरएस मेंस के अभ्यर्थियों के कुठाराघात है। तो हरियाणा पंजाब के किसान जो है वो एमएसपी पर ही क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्रेरित होकर, प्रोत्साहित होकर और प्रवर्तित होकर अपनी खेती करते हैं। और वो अगर भय खत्म, उनका भय बढ़ जाए, एमएसपी समाप्त हो जाए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था आके एमएसपी को अपने आप ही समाप्त कर दे, तो किसान तो डरेंगे। हाँ, कोई नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ये तो सिंपल बात है कि आप अपनी उपज को बेचो, कहां, निर्यातकों को बेचो डायरेक्ट। अडानी है, अडानी का पोर्ट है, अडानी पोर्ट एंड सेज बहुत बड़ी कंपनी है, कोविड काल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनी कौन सी है, अडानी ग्रुप है। हाल ही में आईपीओ भी आया है अडानी विल्मर के नाम से, तो वो आपसे खरीद लेगी, कितने मूल्य पर, कौन से मूल्य पर खरीदेगी। तो मोदी जी ने कहा कि जितना अडानी और आप तय कर लो, बात खत्म। अब जहां अडानी प्रथम पक्षकार है अनुबंध का, वहां वो क्या किसानों की बातों को मानेगा, और फिर वो हालत हो जाती जो हालत कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन पर खड़े रहने वाले ऑटो वाले होते ना,
जैसे किसी एक ऑटो वाले को कहते हैं कि चल रहा है क्या रिद्धि सिद्धि, वो बोलता है हाँ चलूंगा, कितने रुपए, 150। तो हम कहते हैं नहीं नहीं 150 तो ज्यादा है, 120 में चल रहा है क्या, बोला नहीं नहीं साहब 120 में तो नहीं चलूंगा। कोई बात नहीं, दूसरे के पास जाएंगे, पहले वाला पहले इशारा कर देता है ऐसे कोड वर्ड में कि 150 मांगे हैं मैंने, तो 120 में चला गया तो देख लेना कल से ऑटो नहीं लगने देंगे यहाँ पे। तो रेलवे स्टेशन पर खड़े रहने वाले जितने भी सारे ऑटो चालक हैं वो सबके सब क्या लेते हैं, 150 रुपए का। तभी तो घर वाले कह के भेजते हैं ना कि रेलवे स्टेशन से किराया ऑटो मत लेना, थोड़ा आप पैदल चल लेना 100-150 मीटर की दूरी पे, और चलते हुए ऑटो को हाथ दे के रुकवाना, बार्गेनिंग कर लेगा उसमें, सिंपल सी बात। तो जहां पे ये बड़े बड़े गोदाम के मालिक निजी क्षेत्र के लोग हैं, क्या वो बार्गेनिंग करने में किसानों के बातों को सुनते, सुनेंगे कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो उस समय वो ग्राहक हैं। किसान क्या है, विक्रेता है, और ग्राहक की टेंडेंसी क्या है, सरकार सामाजिक कल्याण की भावना पर टिकी हुई है, निजी क्षेत्र सामाजिक कल्याण की भावना पर नहीं टिका हुआ है। लिखो पॉइंट्स में, लिख लो पहला पॉइंट, भारतीय किसानों को छोटी जोत कौमा मौसम पर निर्भरता, मौसम पर निर्भरता एवं बाजार अनिश्चितताओं के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिससे किसानों की आर्थिक क्षमता घटती है। पॉइंट नंबर सेकंड, इस विधेयक के माध्यम से किसान प्रत्यक्ष रूप से, बहुत अच्छी बात है, किसान प्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़ जाएं, बिचौलिए समाप्त हो जाएं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। थोक विक्रेताओं कौमा बड़े कारोबारियों निर्यातकों अडानी टाइप के साथ जुड़ सकते सकेंगे या जुड़ सकते जिससे मध्यस्थों की भूमिका समाप्त होती। एवं किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होता। बेहतर कौन तय करेगा? बार्गेनिंग। तीसरा पॉइंट, इस अधिनियम के माध्यम से अनुबंध कृषि का प्रावधान भी जोड़ा गया। जिससे किसान प्रत्यक्ष है अब अगली चीज को अंडरलाइन कर देना, निजी क्षेत्र के बड़े विपणनकर्ताओं
से आसानी से जुड़ सकें। एवं किसान जुड़ सके एवं किसान अगली लाइन को भी अंडरलाइन करना है, पारस्परिक सहमति के आधार पर निर्धारित मूल्य, पारस्परिक सहमति के आधार पर निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज को बेच सके। अपनी उपज को बेच सके डॉट 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 एल ओ एल। बताओ पारस्परिक सहमति, सहमति कर लो भाई। अब सहमति में किसकी चलती है? हमेशा बेचने वाले की चलती है कि खरीदने वाले की चलती है? ना उसकी चलती है जो पावरफुल होता है, बस सीधी सी बात है। उसकी कम चलती है जिसके पास में विकल्पों का अभाव होता है, और उसकी ज्यादा चलती है जिसके पास विकल्प ज्यादा होते हैं। अब सिंपल सी बात है कि ये बड़े बड़े जो विपणन करता है ये सामाजिक न्याय पर नहीं टिके हुए, और ये कॉमन सेंस की बात है कि व्यापार करना जैसे सरकार का कर्तव्य नहीं होता। कहते ना कि कॉमर्स इज नॉट ए बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, व्यापार करना सरकार का कार्य नहीं है। सरकार का कार्य तो क्या है? सामाजिक कल्याण करना। और यह भी बात साइमल्टेनियसली कही जाती है समानांतर रूप से कि सामाजिक कल्याण करना निजी क्षेत्र के बस की बात नहीं है। निजी क्षेत्र सामाजिक कल्याण का कितना ही कर दे, भले 199 रुपए में पटवारी कोर्स उपलब्ध करा दे, पर उससे भी सामाजिक कल्याण नहीं होता, उल्टा बढ़ता है। क्या? सामाजिक शोषण, क्योंकि वो कोर्स ही ऐसा कराते हैं कि फिर प्रॉब्लम लेके आओ, प्रॉब्लम लेके आने से 700 रुपए का कोर्स और खरीदो, सिंपल सी बात। अब मान लो हम ऐसा इतना बेकार पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं आपको कि क्रैश कोर्स ले लो 4000 रुपए में। तो अब आप क्रैश कोर्स तो तब ले पाते ना जब आपको यहाँ पे ऐसे लगता कि भाई यहाँ पे हमें बेकार पढ़ाया गया, तो ही तो लेते। तो हम पढ़ाएंगे इतना बेकार कि क्रैश कोर्स लेना ही पड़ेगा आपको, भले इस कोर्स की फीस हम 399 रुपए रख देते, कॉमन सेंस। तो निजी क्षेत्र कभी भी सामाजिक न्याय की भावना से नहीं होता। कुछ एक होते हैं वो दान ही कर सकते हैं, लेकिन कल्याण की भावना तो फिर भी उनमें क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होती है। ये बड़े बड़े विपणनकर्ता कौन है? ये कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो क्या करती हैं, किसानों से उपज को खरीदती हैं प्रत्यक्ष रूप से। भाई मोदी जी ने यह कहा कि भाई फल आपके फल जाते हैं, निर्यात होते हैं, और वहां से डॉलर रुपये आय प्राप्त होती है। तो एक काम करो ना, आप डायरेक्ट ही बेच के आ जाओ उनको एक्सपोर्टर सेंटर को, और वहां से वो आपकी उपज का निर्यात कर देंगे और बेहतर मूल्य जो भी हो वो मिल जाएगा। कौन सा बेहतर मूल्य? जो आपसी सहमति से डिसाइड हो जाए। आपसी सहमति का मतलब मैंने कोई प्रस्ताव दिया, आप सहमत हो गए, नहीं हुए तो आपने प्रति प्रस्ताव दिया, मैंने सहमति दी या नहीं दी, सिंपल सी बात। तो यहां पे बड़े विपणनकर्ताओं की भूमिका क्या हो गई? अप्रत्यक्ष रूप से ज्यादा हो गई। इसलिए किसान इस बात को लेकर थोड़े आक्रोशित थे, असंतुष्ट थे कि साहब ये ठीक है, ये चलने दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ एमएसपी को लेकर क्या लिखा गया है? बस यही तो लिख रखा है ना कि किसान आपसी सहमति पर तय मूल्य पर बेच सकते हैं, अगर नहीं बेच पाए तो। बस किसानों का मेन मुद्दा यही था। तो मोदी जी ने जोश में एकदम गुस्से में आके बोला था एमएसपी ना तो समाप्त हुआ ना कभी होगा, विपक्ष फालतू की बातें कर रहा है, भड़का रहा है देश के लोगों को। तो फिर किसानों ने बोला ठीक है कोई नहीं सर, आप ये बात कह रहे हो तो लिखित में दे दो। लिखित में सरकार ने दिया नहीं, वर्बली बोलते गए तो किसान बोले हमें विश्वास नहीं है, आप जो बोलते हो वो तो करते नहीं हो, और जो करते हो उसके लिए पहले बोलते भी नहीं हो, अचानक से आते हो कि आज मध्य रात्रि से 500 के 1000 के नोट बंद, अब करें तो करें क्या? पहले बोल दिया होता तो हम सिक्के इकट्ठे कर लेते, और जो काम कहे थे वो आपने पूरे नहीं किए तो हमें तो भरोसा नहीं है। एक काम करो आप लिखित में दे दो। सरकार ने दिया नहीं लिखित में, लास्ट में सरकार को क्या करना पड़ा? वापिस लेना पड़ा। इसके पीछे विपक्ष का आरोप है, कई सारे न्यूज चैनल्स हैं वो भी आरोप लगाते हैं कि सरकार विवश है। सरकार के सामने दो सबसे बड़े दबाव है, एक तो निजी संस्थाओं का दबाव है और दूसरा दबाव किसका है? डब्ल्यूटीओ का। तो सरकार आज नहीं तो कल ये काम करेगी करेगी, भले ही कोई सी सरकार आ जाए, करना ही पड़ेगा अगर देश को चलाना है तो। किसान यानी कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर सरकारी नियंत्रण नहीं है, सबसे अधिक सरकारी सहयोग है। आज आप सेवा क्षेत्र में चले जाओ, सेवा क्षेत्र में बड़े बड़े सेवाएं देने वाले कौन है? निजी संगठन के लोग हैं। सरकारी सेवाएं निरंतर क्या होती जा रही है? धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होती जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़े कौन है? बड़े निजी प्लेयर हैं। एक किसान ही, कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जो सरकार नियंत्रित तो नहीं है, लेकिन सरकार का सहयोग उसमें क्या है? 1947 से ज्यादा है। अब सहयोग को एक झटके में कम कर देंगे तो
पता है ना कि वो जिसका सहयोग खत्म होगा उसकी पीड़ा तो वही जाने। धीरे धीरे क्रमागत हिसाब से क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, विश्वास में लेना पड़ेगा। पहले वैकल्पिक तौर पर इन चीजों को लागू करके देखा जाए, किसानों को विश्वास जीता जाए कि देखो आपको अकाल वाले टाइम में भी आपको इतना मूल्य मिला और भयंकर आपने उत्पादन किया तब भी इतना मूल्य मिला। बड़े विपणनकर्ताओं की भूमिका स्पष्ट करनी पड़ेगी, ना कि सरकार किसानों की भूमिका। किसानों की भूमिका तो इतनी है कि वो तो फसल उगाते हैं बेचते हैं, बात खत्म। बड़े विपणनकर्ता क्या क्या ले सकते हैं क्या क्या नहीं ले सकते हैं, इसको लेके अगर सरकार द्विमार्गी वार्ता करती तो कहीं ना कहीं फायदा किसानों को भी मिलता, कृषि को भी मिलता। एक और अधिनियम आता है आवश्यक वस्तु, लास्ट आता है आवश्यक वस्तु, ब्रैकेट में लिख दो संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम का मतलब पहले बना हुआ था क्या? यस बिल्कुल बना हुआ था। सरकार ने इसको क्या कर दिया, कोरोना काल आया तब सरकार ने सोचा कि ऐसे दोबारा से कोई आ गया तो दिक्कत आएगी बहुत बड़ी। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, दो ही पॉइंट लिख लो। पहला, इस विधेयक के माध्यम से अकाल, युद्ध, महामारी जैसी असामान्य परिस्थितियों के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि को नियंत्रित किए जाने का प्रावधान किया गया, नियंत्रित किए जाने का प्रावधान किया गया। पॉइंट नंबर सेकंड, इस विधेयक के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि युद्ध, अकाल व प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में भारत सरकार कृषि उपजों को नियंत्रित कर सकती है, एवं भंडारण की ऊपरी सीमा को क्या कर सकती है, हटा सकती है। ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित किया जा सके। उपभोक्ताओं को क्या किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। अब किसानों का ये और था कि भाई इसमें तो आप कह रहे हो कि भारत सरकार का नियंत्रण होगा, तो यहां भारत सरकार का नियंत्रण होगा तो आप अकाल जैसी परिस्थितियों में जब भंडारण कर सकते हैं तो अकाल जैसी परिस्थितियों में किसानों के हितों पर ध्यान नहीं दे सकते क्या? दूसरा, किसानों का एक और तर्क यह भी था कि कृषि कौन सी सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, तो ये सरकार लेके क्यों आई ये कानून? कौन लेके आए? राज्य विधानमंडल लेके आए।
तो इन्होंने कहा मोदी जी ने कि अशोक दलवी समिति आपने समय के नोट्स में नहीं पढ़ी थी क्या? उसमें उन्होंने बताया नहीं था क्या कि अशोक दलवी ने कहा है कि कृषि को क्या बनाया जाए? समवर्ती सूची। तो हम समवर्ती सूची बनाने वाले हैं, बस समवर्ती सूची का विषय बनाने के बाद में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या कर सकती है? खेती के लिए कानून बना सकती है। अब वो समवर्ती सूची का विषय बनता कि नहीं बनता, पर कानून क्या हो गए? रद्द हो गए। तो वर्तमान में प्रासंगिकता के हिसाब से तीन कानून आपसे पूछ लिए गए हैं। अगर आपसे इसकी आलोचनात्मक समीक्षा पूछे तो बातों को इस प्रकार से लिख के आना है कि आलोचना दिख जाए, बस। ऐसे नहीं है कि ये बर्बाद कर देता, ये कर देता, वो कर देता। पता चल जाता है कि भाई समानांतर व्यवस्था लागू होने से किसानों के मन में एक अनचाहा भय था। अनचाहा भय क्यों था? क्योंकि किसान नहीं चाहते थे। और भय क्यों था? क्योंकि वो डर गए थे कि एमएसपी की व्यवस्था क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख इसमें क्या नहीं था, किसी भी अधिनियम में नहीं दे रखा था। तो किसान सशक्त होते कि नहीं होते, उनका संरक्षण होता कि नहीं होता। अब एक दिन में देखे गए सपने के बराबर है, भविष्य में कभी आएगा तब देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपके सिलेबस का एक लाइन कंप्लीट हुई, जिसका नाम क्या है? कृषि। अब आता है अगला टॉपिक, कौन सा पढ़े? औद्योगिक क्षेत्र। लिखो औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर। किसानों के, हाँ आप बिल्कुल पूछ सकता है, सरकार के हिसाब से भी पूछ सकता है। मैं आपको ये काम करूंगा, ये इकोनॉमी का सिलेबस कंप्लीट होते ही सवाल दे दूंगा आपको, कुछ प्रैक्टिस के, यूपीएससी के जो एग्जाम में पूछे गए हाल ही में, तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर लोगे तो थोड़े बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है। लिखो औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है? अभी तो देखो कृषि क्षेत्र की बखान किया था, अब हम पार्टी बदल लेंगे, अब किसका बखान करेंगे? द्वितीयक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र इंडिया का कैसा था स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले? अच्छा था। मसाला उद्योग यहाँ का क्या था? वर्ल्ड फेमस उद्योग था। सूती वस्त्र उद्योग डंका बसता था पूरे विश्व में। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से क्या हुआ? औद्योगिक क्षेत्र असंतुलित हुआ। औद्योगिक क्षेत्र असंतुलित हुआ 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए, तो हमारे जो मेन उद्योग थे वो तो वैसे भी विभाजन की आड़ में किसके पास चले गए? पाकिस्तान, ठीक है, वहां ट्रांसफर हो गए। और इंडिया में जो बचे उद्योग, उन उद्योगों में क्या नहीं थी? ना तो कोई पूंजी थी, ना ही कोई उत्पादन के लिए तकनीकें थी, क्षमता थी। तो हमारा औद्योगिक क्षेत्र क्या था? लगभग बर्बादी के कगार पर था। और यही कारण है कि हमारी पंचवर्षीय योजना में पहली पंचवर्षीय योजना कृषि आधारित पंचवर्षीय योजना बनाई गई, क्योंकि सरकार ने यह समझ लिया था कि उद्योगों के विकास की अगर जिम्मेदारी उठा ली तो क्या लाना पड़ेगा? पैसा लाना पड़ेगा। और उस देश को पैसा कौन दे जो सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद जस्ट आजाद हुआ है? इसलिए हमने सोचा कि अगले 5-6 साल तक एक बार कृषि का उत्पादन बढ़ जाए, उसके बाद में संसाधन जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम उद्योगों का क्या करेंगे? विकास करते रहेंगे। तो उद्योगों के विकास करने के लिए भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के जस्ट बाद ही कुछ विशेष नीतियों का निर्माण किया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? औद्योगिक नीतियां। औद्योगिक नीति इंडिया में वैसे तो बहुत ज्यादा बनी, 1948 में पहली बनी, 1956 में दूसरी बनी, उसके बाद में इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने एक विवरण बनाया 1969 में, उसके बाद में मोरारजी देसाई आए तो 1977 में बनाया, फिर इंदिरा गांधी वापस आई तो औद्योगिक नीति 1980 बनाई, फिर इंदिरा गांधी जी के जो बेटे थे राजीव गांधी जी, उन्होंने 1986 में क्या किया? एक और प्रविवरण, संशोधित प्रविवरण लागू किया, और फिर 1991 की एक नई आर्थिक नीति आई। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमें तीन औद्योगिक नीतियां पढ़नी है। एक तो कौन सी? 1948, जिसमें केवल एक ही खास बात है कि वो स्वतंत्र भारत की क्या थी? पहली औद्योगिक नीति थी, क्योंकि सरकार का फोकस नहीं था किस पर? उद्योगों के विकास पर, क्योंकि उसके इस नीति की घोषणा के जस्ट 2 वर्षों के बाद ही क्या आ गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, और उसमें सरकार की सारी प्राथमिकता कहां चली गई? कृषि क्षेत्र में। 1956 की औद्योगिक नीति, जिसे आर्थिक संविधान भी कहा गया, कि ये देश का आर्थिक संविधान लिखा गया है, जिसके लिए सरकार ने बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित किए थे। अगर कहते हैं, आर्थिक जानकार कहते हैं कि अगर 1956 की औद्योगिक नीति अपने लक्ष्यों को अच्छे तरीके से प्राप्त करती रहती तो शायद आज इंडिया की स्थिति दूसरी होती, क्योंकि उसमें समाजवाद और सरकारी नियंत्रण को क्या किया गया था? काफी ज्यादा बल दिया गया था। निजीकरण के लिए ऊंट के मुंह में जीरा ऐसे ही छोड़ा गया था। लेकिन बाद में परिस्थितियों के परिणाम के फलस्वरूप आने वाली सरकारों ने सबक लिया पीछे के अनुभवों से, और यह कसम खा ली कि अब सरकारी नियंत्रण को धीरे धीरे क्या करेंगे? कम करेंगे, और निजी क्षेत्र की कुशलता, निजी क्षेत्र के संसाधन और उनकी तकनीकों के उपयोग को हम बढ़ावा देंगे।
और आज जो भारत हम देख रहे हैं उसकी नींव कहीं ना कहीं 1986 के समय ही रख दी गई थी, जब कौन थे प्रधानमंत्री, राजीव गांधी। तो आर्थिक सुधारों की जो हम देखते हैं ना 1991 में लागू किए गए थे, उनकी विवेचना भी हम इसी अध्याय में करने वाले। औद्योगिक क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? देखो एडम स्मिथ, नाम सुना है, अर्थशास्त्र के पिताजी थे ये, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी, नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। और इन्होंने ये कहा था कि अगर किसी राष्ट्र की वेल्थ बढ़ानी है, धन बढ़ानी है, तो आपको उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। किसको बढ़ावा देना चाहिए? उत्पादन। और उत्पादन में सरकार का नियंत्रण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किस मूल्य पर उत्पादन करना है, इसको लेके सरकार कोई कानून ना लगाए, कोई हस्तक्षेप ना करे, सब कुछ किस पर छोड़ दे? उत्पादक पर। कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाई है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एडम स्मिथ ने यह कहा कि उत्पादन को अगर बढ़ावा देना है तो 1776 में उत्पादन के दो ही क्षेत्र थे, या तो क्या था, कृषि, और या क्या था, उद्योग। बताओ एडम स्मिथ ने किस पर जोर दिया, कृषि पर दिया या उद्योग पर दिया? उद्योग पर। क्यों उद्योग पर क्यों जोर दिया, कृषि पर जोर क्यों नहीं दिया? क्योंकि एडम स्मिथ ये बात जानते थे कि कृषि मानव के नियंत्रण से बाहर है। कितनी उपजाऊ क्षमता आए, कितना ही आप बढ़िया मेहनत क्यों ना कर लें, जब तक क्या नहीं है, मानसून की परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, भौगोलिक वातावरण फसल के अनुकूल नहीं है, तब तक कुछ नहीं होना। तो इतनी ही मेहनत, इतनी ही पूंजी अगर किसमें लगाई जाए, औद्योगिक क्षेत्र में लगाई जाए, तो निश्चित रूप से आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिल सकता है। उद्योगों की सारी वृद्धि टिकी हुई है दो लोगों पर, एक तो उद्योगों के स्वामी पर और एक उद्योगों के श्रमिक पर। इन्हें कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि इनका खुद का धन बढ़े, स्वामी को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि स्वामी के लाभ बढ़ते जाएं, और श्रमिकों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि श्रमिकों का लाभ बढ़ता जाए। श्रमिकों का लाभ क्या होता है? मजदूरी। तो अगर श्रमिक ज्यादा मजदूरी कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे तो औद्योगिक उत्पादन बढ़ेंगे, और औद्योगिक उत्पादन जितना बढ़ेंगे उतना ही उपभोक्ताओं को संतुष्ट किया जा सकेगा, जिससे स्वामी भी खुश होगा, मजदूरी लेकर श्रमिक भी खुश होगा, और देश क्या करेगा, आर्थिक विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ब्रिटेन ने अपने देश में औद्योगिक क्रांति को एक नया स्वरूप दिया, और देखते ही देखते विश्व के अधिकांश राष्ट्र ये समझ चुके थे कि अगर विकास की गति को प्राप्त करना है तो कृषि छोड़ो, किस पर फोकस करो, उद्योग पर फोकस करो। क्योंकि उद्योगों के विकास से कई सारे फायदे होते हैं, एक तो नए नए उत्पाद निकल के आते हैं, नो डाउट, कृषि से उत्पाद नहीं निकल के आते। आज खेती खेती हम सब कर रहे होते तो पंखा कहां से आता, एसी कहां से आता, मोबाइल कहां से आता, और आज मोबाइल नहीं होता तो सोचो जिंदगी कैसी होती, नीरस हो जाती एकदम। नई नई तकनीकें भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास से ही क्या होती हैं, बाजार में प्रवेश करती हैं। बारहमासी अगर कोई क्षेत्र है, बारहमासी नौकरियां कहीं है तो कहां है, औद्योगिक क्षेत्र में। क्योंकि इंडिया में कृषि क्षेत्र में कई सारे ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां रबी की खेती होती है, खरीफ का सीजन आते ही बेरोजगारी। कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर क्या होती है, केवल खरीफ की खेती होती है, रबी का सीजन आते ही बेरोजगारी। और कई ऐसे भी क्षेत्र है जहां पे ना तो रबी होती है ना ही खरीफ होती है। तो जो श्रमिक कृषि के क्षेत्र में बेरोजगार हैं वो भी किसमें रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, अपने फुर्सत के दिनों में औद्योगिक क्षेत्र में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी अपनी अपनी परिस्थिति के आधार पर कुछ नीतियां बनाई। उन नीतियों के क्या परिणाम निकल कर आए, औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान में वर्गीकरण कितना किया गया है, आजादी के बाद कौन कौन से प्रयास हैं, आर्थिक सुधारों के बाद में औद्योगिक वित्त एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, उसको लेकर हाल ही में सरकारी प्रयास आर्थिक समीक्षा में क्या क्या कहते हैं, उस पर हम टीका टिप्पणी करने वाले हैं। लिखिए प्रत्येक, पहले एक भूमिका बोलवचन टाइप का पैराग्राफ लिख लो। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की एक विशिष्ट भूमिका होती है। जहां
प्राथमिक उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों को कच्चे माल के रूप में ग्रहण किया जाता है। एवं उसे द्वितीयक उत्पाद में बदला जाता है। इस व्यवस्था को औद्योगिकीकरण भी कहते हैं। जिसके विकास से कंटिन्यू चलता जाएगा, पूर्ण विराम मत ही लगाना। जिसके विकास से नए उत्पाद तकनीकें एवं सेवाएं अर्थव्यवस्था में प्रवेश करती हैं। कॉमा उत्पादन वृद्धि होती है। कॉमा रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है। परिणामतः प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है, परिणामतः आर्थिक विकास की गति बढ़ती है। पैराग्राफ चेंज कर लो। यही कारण है कि प्रत्येक देश की सरकार स्वयं की क्षमताओं एवं परिस्थितियों प्रत्येक देश की सरकार स्वयं की क्षमताओं एवं परिस्थितियों के आधार पर औद्योगिक विकास के लिए नीतियों का निर्माण करती है। औद्योगिक विकास के लिए नीतियों का निर्माण करती है। नीतियों में नी बड़ा आता है, ठीक है। भारत सरकार ने भी चलने दो, अपने तो लिख लो बस। भारत सरकार ने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीतियों का निर्माण किया। औद्योगिक नीतियों का निर्माण किया जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। सबसे पहली नीति पढ़ लेते हैं, कौन सी? औद्योगिक नीति 1948। इसमें कोई काम की बात नहीं है,
एक ही काम की बात है कि स्वतंत्र भारत की क्या थी, पहली थी, पहला वैसे ही आपको पता है ना, औद्योगिक नीति। गांव का पहला एसडीएम बनता है तो पूरा गांव में से समामणी का आयोजन करता है और रोज रोज बनते रहते हैं तो फिर गांव भी सोचता है छोड़ो। औद्योगिक नीति कौन सी, 1948। कुछ नहीं किया गया इसमें, देखो बता दूं आपको, एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम याद हो जाए तो बढ़िया है, वरना ये लिख देना स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व वाणिज्य मंत्री के द्वारा इस औद्योगिक नीति को वर्ष 1948 में घोषित किया गया। ठीक है, कौन से अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया, मिश्रित, पूंजीवादी या समाजवादी? मिश्रित। मिश्रित का मतलब सरकार भी करेगी और निजी क्षेत्र भी करेगा। जितने भी सारे उद्योग थे ना उस समय हमारे, उनके चार कैटेगरी फिक्स कर दी। श्रेणी प्रथम, श्रेणी प्रथम में कौन से आ गए, देशव्यापी उद्योग, महत्वपूर्ण उद्योग, रक्षा है ना, कोई मान लो कोई ऊर्जा, कोई परमाणु, संचार, रेलवे, ये सब कुछ जो क्या है राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की महत्वता के लिए इंपॉर्टेंट उद्योग धंधे हैं, उनको कौन से कैटेगरी में, श्रेणी फर्स्ट। किसको पावर दे दिया, केंद्र सरकार का नियंत्रण, इन पर सरकार नियंत्रण रखेगी भाई, क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के उद्योग है। फिर रखा कौन से, श्रेणी सेकंड, इसमें रख दिया आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना के उद्योग, सड़क, बंदरगाह, परिवहन, ये सब कुछ, विद्युत, ये सब किस में आ गए, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, किसके कंट्रोल में, सरकार का नियंत्रण, केंद्र और राज्य मिलकर इनका विकास करेंगे। फिर कौन सी श्रेणी आई, श्रेणी थर्ड, ये आए राज्यों के महत्वपूर्ण उद्योग, राज्यों के महत्वपूर्ण उद्योग, राज्यों के महत्वपूर्ण उद्योग का मतलब जैसे मान लो राजस्थान में सीमेंट उद्योग, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में चीनी उद्योग, तो ये उनके राष्ट्र है, उनके राज्यों के क्या है, विशेषाधिकार, एकाधिकार के उद्योग है, तो कंट्रोल किसका, राज्य सरकार का नियंत्रण। और चौथी और अंतिम कैटेगरी आ गई कौन सी, जो बच गई, कौन सी कैटेगरी हो गई, श्रेणी चतुर्थ, और इसमें रख दिया अन्य उद्योग, अन्य शेष उद्योग, और इसमें नियंत्रण किसका छोड़ दिया, सरकार एवं निजी क्षेत्र। ये लो, ऊंट के मुंह में क्या रहा, जीरा। निजी क्षेत्र के लिए क्या बचा, छोटे 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 छोटे, कोई टेलर की दुकान खोल के बैठ जाओ, जूते बनाना चाहते हो बना लो, कोई नहीं, छोटे छोटे कोई तहसील स्तर पर कोई उद्योग धंधा स्थापित करना चाहते हो तो कर लो। तो अब इस व्यवस्था से हमने पहली औद्योगिक नीति का निर्माण किया, कोई इसमें कोई फायदा नहीं मिला हमें, कारण क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि दो वर्षों के बाद यानी 1950-51 में हमने क्या कर दिया था, पहली पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार कर लिया था और उस मसौदे में सबसे मेन फोकस किस पर कर दिया, कृषि पर। तो ये औद्योगिक नीति दब गई किसके नीचे, पहली औद्योगिक, पहली पंचवर्षीय योजना के प्रभावों के नीचे। ठीक है, बाद में 1956 की औद्योगिक नीति आई और वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, 1956 और 1991, बस दो ही है इंपॉर्टेंट। 1956 की औद्योगिक नीति समझ में आ गई तो 91 को समझना बहुत आसान है, क्योंकि 1991 की औद्योगिक नीति 56 की क्या है, एकदम विपरीत है। 56 में पीसी मालनोबिस आए, प्रशांत चंद्र मालनोबिस, जिन्हें भारत में सांख्यिकी का पिता कहते हैं, वो नेहरू जी के साथ मिल गए तो एक मॉडल बन गया, नेहरू मालनोबिस मॉडल, और वो समाजवादी मॉडल कहलाता है। और इसमें सरकार ने सोचा कि सारा कंट्रोल कौन ले ले, सरकार ही ले ले, क्योंकि कटु अनुभव थे हमारे, पहले छोटे छोटे राज्य थे, राज्य पर विदेशी आक्रमणकारी आए, अटैक किया, एकता का अभाव था, तो केंद्र के अधीन सारे राज्य को कर दिया जाए तो फायदा होगा। तो पीसी मालनोबिस ने फिर उद्योगों की कैटेगरी को, नेहरू जी ने बोला कि ये चार कैटेगरी रखते हो बच्चों को याद नहीं होता एग्जाम में, कम करो इनको, तो बोले ठीक है सर तीन कर देंगे, बोले हाँ ठीक है डन। तो इनको चार औद्योगिक श्रेणियों को किता कर दिया गया तीन, और तब से लेके अब तक कितनी श्रेणियां चल रही हैं, तीन ही चल रही हैं। सारा कंट्रोल किस पर आया, सरकार के कंट्रोल में आ। अब सरकार के पास पैसा नहीं है, कंट्रोल तो आ गया, करे क्या, कांटों का ताज। तो सरकार ने कहा कि नहीं नहीं ये काम करते हैं, विदेशी सहयोग प्राप्त करेंगे और बड़े बड़े प्लांट बनाएंगे,
मालरोबिस ने बोला कि साहब छोटे छोटे उद्योग धंधों का विकास करना ही नहीं है, ध्यान रखना, है ना, ये चूहा खरगोश मार के कब तक पेट भरोगे, मोटी ताजी भैंस मारो लंबे समय तक तो खाएंगे। नेहरू जी बोले फालतू बातें तो करो मत, सही सही बताओ क्या करना है। अरे बोले सर बड़े उद्योगों का विकास करो, छोटे उद्योगों का विकास करने से क्या मतलब, बड़े उद्योगों का विकास करोगे आर्थिक समृद्धि की रफ्तार बढ़ेगी वगैरह वगैरह। तो बोले करें कहां से, पैसे नहीं है। बोले पैसे नहीं है तो एक काम करो सर, बाहरी देशों से कुछ सहायता ले लो। बोले किससे ले, कोई देगा ही नहीं। बोले देगा कैसे नहीं सर, आपके मित्र राष्ट्र भी तो है कई। बोले मेरे मित्र राष्ट्र कौन है। बोले सर कैसे नहीं है, यूएसएसआर है ना एक, कौन है, यूएसएसआर, सोवियत संघ है ना आपका मित्र राष्ट्र। नेहरू जी बोले हाँ हाँ बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि आप भी समाजवादी हैं वो भी समाजवादी हैं तो वो आपका मित्र राष्ट्र है। अब इसी के नाते जर्मनी भी आपका क्या है, मित्र राष्ट्र है, और ब्रिटेन भी है। नेहरू जी बोले फालतू बातें करो मत, ब्रिटेन कब से समाजवादी हो गया। अरे बोले सर ब्रिटेन समाजवादी तो नहीं है बट आपके अच्छे रिलेशंस है ब्रिटेन के साथ। नेहरू जी बोले हाँ ठीक है मैं समझ गया, मैं क्या कर लूंगा, इन तीनों से सहयोग ले लूंगा और पावर प्लांट स्थापित कर दूंगा। बच्चे याद कैसे करें कहां कहां स्थापित किया था। तो मालनोबिस बोले कि कई टीचर आएंगे सर यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले, वो बोलेंगे आरबीडी आरबीडी याद कर लो, आरबीडी आरबीडी, रमेश बुक डिपो रमेश बुक डिपो, राउरकेला भिलाई और दुर्गापुर, बस ये तीन संयंत्र स्थापित हुए। तीनों में सहयोग किसका लिया गया किसका नहीं लिया गया, ऐसा सवाल प्री में पूछ ले तो बच्चे टिक मार करके आ जाएंगे। अब वो पढ़ाने वाले टीचर्स की सारी एकदम ज्ञान की धज्जियां उड़ा दी। एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया बोकारो संयंत्र कौन सी योजना में आया, स्टूडेंट्स तो आरबीडी आरबीडी बी फोर बोकारो था कि भिलाई था, भटक गए और कह दिया द्वितीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक आई और द्वितीय औद्योगिक नीति भी कब आई, 1956 में आई। इसके परिणाम में सरकार ने क्या किया, औद्योगिक वित्त का भार बढ़ा लिया, क्योंकि इन देशों से क्या लिया, अच्छी खासी रकम हमने लोन के रूप में ले ली, जिसके ब्याज चुकाने के लिए क्या नहीं थी, क्षमताएं नहीं थी। हाँ शुरुआती दौर में 1956 के बाद औद्योगिक विकास क्या हुआ, बढ़ता गया। समाजवादी प्रारूप के तहत श्रम कानून लागू किए गए, जिसमें श्रमिकों को थोड़ा ज्यादा पावर दिया गया, क्योंकि नेहरू जी ये बात मानते थे कि उद्योग तभी चलेगा जब श्रमिक और मालिक के बीच में मधुर संबंध हो, और उनको मधुर संबंध, श्रमिकों को एक ही पंगा होता है, वेतन क्या नहीं मिलता, मजदूरी टाइम पे नहीं मिलती, तो एक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेंगे, एक मजदूरी के भुगतान की डेट फिक्स कर देंगे, और औद्योगिक विवाद होगा तो आम सहमति से औद्योगिक श्रम संगठन जो है उनके माध्यम से इसको दूर किया जाएगा। सरकार ने खर्चा क्या कर दिया, बढ़ा दिया, उत्पादन तो बढ़ा पर उत्पादन की लागत भी क्या आई, ज्यादा आई, तो उत्पादकता क्या हो गई, कम हो गई, और इसी उत्पादकता को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, पढ़ते हैं कल की क्लास में, ठीक है।